देखे भाई साहब हेलो खुशी ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अल्टीमेट कसम से इतना मजा कभी नहीं आया, माँ कसम फीलिंग ही चेंज, सीन चेंज। तो गाइस लीजिए हम पहुंच गए हैं सिसु वाटरफॉल, ये देखिए थोड़ा सा और नजदीक जाने की कोशिश करते हैं सिसु वाटरफॉल। अबे रुक जा बजाई मत भाई, रुक जा एक मिनट। अबे रुक जा एक मिनट। और ये हमारे एचपी पुलिस के जवान शुभम, मिस्टर शुभम। तो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का सिसु वाटरफॉल को, तो यहाँ से चल पड़े हम वापस। अभी हम सिसु लेक और उसके बाद प्लान बन रहा है इनका जाने का केलोंग, तो देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हम है सिसु लेक के सामने और ये हमारी सिसु लेक और उसके पीछे ये रहा हमारा वाटरफॉल। ऊपर वाटरफॉल में आजकल मेरे ख्याल से धूप नहीं आती है, सुबह शायद थोड़ी देर के लिए आती होगी पर आजकल मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे धूप आती होगी। अभी भी बिल्कुल डार्क साइड दिख रही है। यहाँ से मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि क्या व्यू आ रहा है ऊपर का। और ये सिसु लेक और ये देखिए हमारा ऊपर वाटरफॉल, ये शेप आप पूरी देख सकते हैं दिल की तरह है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा छोटा भाई जिसने पहली बार बाइक चलाई है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये बाइक चला रहा है। आज ऐसे लग नहीं रहा है कि पहली बार बाइक चला रहा है, थोड़ी सी इसको थोड़ी सी माइनर सी ट्रेनिंग दी और आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ये बाइक चला रहा है अभी। आराम आराम से ठीक है ठीक है। तो आपका फर्स्ट टाइम बाइक राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी लाहौल में? मुझे लगा नहीं था कि इतनी चला पाऊंगा मैं, पर नहीं, मैं इसकी नर्वसनेस अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे काम रहा पूरा अभी काम रहा, अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग में ही गिर गया था, अभी अभी फिर से गिर गया। ये देखिए यहाँ पे बाइक लगा दिया। बाकी कैसा लगा? सीख लूंगा बहुत जल्दी, सीख लेंगे बहुत जल्दी, तब हम पीछे बैठ के शूट करेंगे। कोई ना, ओके। हम जा रहे हैं सिसु लेक के पास, वेलकम टू सिसु लेक। हमारे यहाँ पे बोर्ड लगा है, देखिए हम यहाँ पे बोटिंग लेकर सकते हैं, आपको एक राउंड यहाँ पे घुमाते हैं। और देखिए हमारे साथ, और ये देखिए हम सिसु लेक का एक चक्कर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे सिसु लेक की खूबसूरती। इतनी हाइट पे लेक का क्या ही व्यू होता है। व्यू दिखा दे, व्यू ओपन देखिए। अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं, दूसरे हमारे भाई लोग पर हैं, अभी मैं और सुरेश बोटिंग करने जा रहे हैं। बोनी है? अच्छा येलो, ओके येलो कलर। तो दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं हम बोटिंग, तो हाय थोड़ी सी डर भी लग रही है, हालांकि मुझे पता नहीं गहरा कितना है। अरे देखिए ये हमारे राइडर जबरदस्ती मेरे पाँव 33 कर रहे, रुक जा भाई रुक जा यार, मेरे से नहीं हो रहा इतना करके। बोटिंग का मजा, वाओ। इसलिए अगर सारी हमने कॉर्नर में तो फंस गई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, रेस्क्यू कौन कर, मजा बहुत आ रहा है, जो भी हो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो अभी हमारे दूसरे साथी वो परे से हैं, एक उधर है, बाकी एक बोट हमारे साथ हुआ रही है परे। देखिए पैडल मारना कोई आसान काम नहीं है, मेरे पैर में अभी भी दर्द हो रही है। ये आपका फोन इधर है, क्या हो गया? ओ भाई मैं तो पहुंचे नहीं।
हाय ओ माय गॉड हमारी बना वीडियो बनाओ यार वीडियो भाई अबे रुक जा बजाई मत भाई रुक जा एक मिनट अबे रुक जा एक मिनट ये झील सुनीलिया के भाई नहीं एक्सीडेंट नहीं करने का अबे रुक जाओ गिल्ला मत करो भाई साथ में जो साथ में एक साथ रुक चल उधर को मोड़ना हां मोड़ दी मैंने और ये देखिए बहुत ही मजे लेते हुए हमारे साथी राइडर ओम प्रकाश रेलू हाय अब मेरे पैरों में दर्द हो गई है छोड़ दो जरूरी नहीं पीछे घास दिख रही है आपको कि ये चल रही है एक्चुअली में हम चल रहे हैं कैमरा स्टील रखेंगे अगर हम कैमरा स्टील रखेंगे तो चलती हुई दिखेगी ऐसा हमारा भाई का कहना है नहीं मुझे सच में इल्यूजन हो रहा है मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा अदरवाइज चेक करा सकते हैं ये दिल मत कर दीवाना है ये दिल मुझको कर डाला दीवाना इधर थकने के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी है वाओ मजा आ रहा है यस दिन सफल हो गया पर धूप सीधे फेस पे लग रही है तो वैसे भी हम काले और काले हो जाएंगे काल तो मैं हो जाऊंगा वाओ चलो बोलो बहुत ही बढ़िया रहा सिसु का बोटिंग का एक्सपीरियंस एक बार हम परे फंस भी गए थे उस जगह पे देखिए इस जगह पे हम फंस गए थे मिट्टी की वजह से और अभी हम निकल गए हैं बाहर और कुछ साथी हमारे चले गए हैं परे अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे शायद कुछ खाना पीना होगा उसके बाद सीधा मनाली विशिष्ट केलोंग जाने का कैंसिल हो गया तो बाकी हम यहाँ से थोड़ी देर इंजॉय करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे मनाली के लिए और हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से केलोंग की साइड देखते हैं कहाँ तक चलते हैं अभी डिसाइड हुआ फिर से केलोंग तक जाने का देखते हैं केलोंग पहुँचते हैं यहाँ तांदी पहुँच सकते हैं चलिए हमारे राजा और ये देखें यहाँ पे राजा केपन जी का मंदिर है सिसु में एनएच के साथ सिसु में लेक से आप 1 किलोमीटर आगे आ सकते हैं उसके बाद देखिए राजा की कुंडी देखिए अभी हम तांदी जो चंद्र और भागा का पवित्र संगम है वहाँ पहुँच गए चंद्र और भागा का संगम होता है और यहाँ से इस नदी को चिनाब के नाम से जाना जाता है यहाँ से ये नदी आपके जम्मू कश्मीर होकर पाकिस्तान को चली जाती है और अब इनका कहना है कि अभी हम जा रहे हैं केलोंग तो अब हम क्या कह सकते हैं केलोंग चलते हैं तो ये आपका केलोंग जाने का पूरा मूड है हाँ जी बिल्कुल भाई चलिए ये देखिए जिस ग्लेशियर को लेडी ऑफ केलोंग के नाम से जाना जाता है वो ऊपर दिख रहा है ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी आजकल उतना क्लियर नहीं दिख रहा जिस टाइम बर्फ़ पड़ती है या दिसंबर जनवरी फरवरी में आओगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगी आपको ये और ये देखिए अभी हम केलोंग पहुँच गए हैं 16-17 किलोमीटर का सफ़र करके थम्सअप थके हुए और भूखे इंसान अभी हम बैठेंगे कहीं कुछ खाएंगे थक गए हैं सभी और ये देखिए तुक्का मोमो खा रहे हैं सभी
पता नहीं कहाँ था, लंच चला। तो दोस्तों अभी हम यहाँ के लॉन्ग से निकल रहे हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नीचे वाला बाज़ार के लॉन्ग का है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस, अभी सीधा अटल टनल पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मनाली, मनाली शायद रुकेंगे, फिर उसके बाद क्लाथ जा रहे हैं हम, क्लाथ में नहाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। फिर हम क्लाथ निकल रहे हैं। बाकी थैंक यू आप सभी का जुड़े रहने के लिए मेरे साथ। बाकी आपको यहाँ तक की बात ये दिखा दी, इसके बाद हम आपको सीधा अटल टनल, उसके बाद सीधे क्लाथ में मिलते हैं। और ये देखिए अभी हम लाहौल से वापस हो गए हैं, सिसु से वापस हो गए, और अभी हम पहुंच गए अटल टनल के पास। ये देखिए मेरे पीछे अटल टनल, थोड़ी देर के लिए यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह होगा, एक हमारा दोस्त है वहाँ पे। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद निकलेंगे सीधा कलात, कलात में नहा धो के फिर उसके बाद निकलेंगे अपने आशियाने को कुल्लू की तरफ। और ये हमारे एचपी पुलिस के जवान शुभम, मिस्टर शुभम, मिस्टर शुभम, और हमारे मनाली से सीनियर यशवाई बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग में डालेंगे बहुत दिनों बाद मिले, और अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा हमें भी लगा आपसे मिलके। अच्छा तो चलिए करिए आप ड्यूटी, हम निकलते हैं। बिल्कुल। अरे देखिए अभी हम क्लास से नहा के निकल रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन है गुलशन और एक साहिल। अंदर हम नहीं नहा वीडियो बना पाए क्योंकि अंदर बहुत सारी भीड़ थी आज, उसकी वजह से। आ रहे हैं क्लास से कटाई की तरफ गुलशन के, वहाँ आज कुछ चिकन पार्टी करेंगे। सो गाइस रात के 8 बज चुके हैं, हम अभी कटराई पहुंचे, तो अभी हम रुके हैं गुलशन के वहाँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। फोटोग्राफी यहाँ पे उसके स्टूडियो में रुके हुए, और थक गए हैं थोड़े से, और यहाँ से निकलेंगे 11 बजे। थोड़ी देर यहाँ पे हम थोड़ा सा फन करेंगे और उसके बाद चिकन वगैरह खा के हम निकलेंगे यहाँ से कुल्लू। और यहाँ तक मेरे ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यूँ ही मेरे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यशुरिल ब्लॉग्स, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।